हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज विच आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो आपके सामने स्क्रीन पर ये सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए हुए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द चैनल। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज जस्ट अ सेकेंड। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। डॉट 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 वॉज कंसर्न्ड विथ मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज स्टडीड बाय फयोल एंड वेबर। डैश वॉज कंसर्न विथ मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज स्टडीड बाय फयोल एंड वेबर। सो हेनरी फयोल एंड मैक्स वेबर के द्वारा स्टडी किया गया था, तो वो कौन सा मैनेजमेंट है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड तीसरा है कंटेम्पोरेरी मैनेजमेंट, और चौथा है कस्टम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सही ऑप्शन होगा जो कि स्टडी किया गया है हेनरी फयोल एंड मैक्स वेबर के द्वारा? सो मैक्स वेबर की जहाँ पे बात आती है, आपको फट से पहुँचना है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की तरफ। सो हियर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वॉज कंसर्न विथ मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का क्या कंसर्न था? मैनेजिंग द टोटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज स्टडीड बाय फयोल एंड वेबर। सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And first would be the right answer for this question, right? Let's move to the next question. Which of these viewpoint emphasized the importance of understanding human behavior and motivating and encouraging employees towards achievement? आपके सामने question है, which of these viewpoint emphasized the importance of understanding human behavior एंड मोटिवेटिंग एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टूवर्ड्स अचीवमेंट? आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन वन क्लासिकल व्यू पॉइंट, बी दूसरा है बिहेवियरल व्यू पॉइंट, तीसरा है क्वान्टिटेटिव व्यू पॉइंट, एंड चौथा है मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस व्यू पॉइंट। आपके सामने ऑप्शन हैं। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। विच ऑफ दिस व्यू पॉइंट इम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेटिंग एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीवमेंट? इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहेवियरल व्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड बाय फयोल? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि हेनरी फयोल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है आर्बिट्रेटिंग, तीसरा है कोलैबोरेटिंग, या चौथा है टास्किंग। सो आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो डिस्क्राइब किया गया है हेनरी फयोल के द्वारा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पॉजिटिव फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? सो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है गिवन बाय हु? सो आपके सामने एक सामने ऑथर्स दे दिए जाएंगे, एक तरफ यू नो प्रिंसिपल्स दे दिए जाएंगे मैनेजमेंट के। सो आपको मैच करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पॉजिटिव फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। आपके सामने ऑप्शन हैं। पहला है मैनेजर्स एंड वर्कर्स साइड बाय साइड, मैनेजर्स एंड वर्कर्स वर्किंग साइड बाय साइड,
दूसरा है इम्पर्सनालिटी, तीसरा है लूजली डिफाइंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, और चौथा है हायरिंग एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इम्पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद द क्लासिकल अप्रोच इज दैट इट ओवर एम्फेसाइज ह्यूमन नीड्स, दूसरा इज टू कॉम्प्लिकेटेड, तीसरा डजंट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एंड चौथा व्यूज ह्यूमंस एज कॉक्स इन अ मशीन। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद द क्लासिकल अप्रोच इज दैट ओवर इम्फेसाइज ह्यूमन नीड्स, इज टू कॉम्प्लिकेटेड, तीसरा है डजंट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एंड चौथा है व्यूज ह्यूमन एज कॉक्स इन मशीन। आपका ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्सन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वॉज, आपको बताना है कि पर्सन, आपको नाम बताना है जिनको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के नाम, द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑथर्स हैं मेरी पार्कर फॉलेट, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है एल्टन मायो, एंड चौथा है ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया दैट मैनेजमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू इम्प्लॉइज केम आउट ऑफ, द आइडिया दैट मैनेजमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू इम्प्लॉइज केम आउट ऑफ, पहला है फ्रेडरिक टैलोर साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है फयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तीसरा है हॉथॉर्न स्टडीज, एंड चौथा है ऑपरेशन रिसर्च। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का द हॉथॉर्न स्टडीज। हॉथॉर्न स्टडी में बताया गया था कि आइडिया था उसका कि मैनेजमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू इम्प्लॉइज केम आउट ऑफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स रिक्वायरिंग द एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स सच एज स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर simulations. Dash is a category of historical management perspectives requiring the application to management of techniques such as statistics and computer simulations. आपके सामने options हैं, option 1 देखेंगे quantitative viewpoint, दूसरा है the behavioral viewpoint, तीसरा है the management viewpoint, and चौथा है the quantitative viewpoint. So here the right answer for this question is the quantitative viewpoint. पहला option आपका सही answer हो जाएगा इस question का. Next question, according to Mary Parker Follett, dash is an approach for dealing with conflict in which one party satisfies its desire and objectives at the expense of the other party's desire and objectives. पहला है resolution, दूसरा है integration, तीसरा है domination and चौथा है coercion. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा इस क्वेश्चन में, कि जहां पर एक पार्टी का यू नो प्रॉफिट होता है तो यू नो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी के एक्सपेंस से हो रहा है, मतलब दूसरी पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो एक पार्टी का अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी पार्टी का ऑटोमेटिकली विन होता है, मतलब फायदा होता है, अगर किसी पार्टी का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो ये किस में बोला गया है, रिजोल्यूशन में बोला गया, इंटीग्रेशन थ्योरी में देखा आपने, डोमिनेशन में देखा, या फिर कोअर्जन में। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, डोमिनेशन में ऐसी बात कही गई थी कि जहाँ पर एक पार्टी का यू नो डिजायर्स सेटिस्फाई होती हैं, वेयर एज अदर पार्टीज यू नो एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी डिजायर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि एक पार्टी का अगर कहीं सिंपल शब्दों में देखिए, एक पार्टी का कहीं फायदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी का नुकसान हो रहा है, राइट। So let's move to the next question. Which of the following statement is true regarding staffing?
आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टाफिंग के पर्पज से ट्रू है, मतलब स्टाफिंग, अगर रिगार्ड स्टाफिंग की बात करें तो इनमें से कौन कौन से ट्रू है। आपके सामने ऑप्शन है, द ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली एक्टिव प्लेयर इन द स्टाफिंग प्रोसेस। दूसरा, द स्टाफिंग प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड जॉब ऑफर्स। थर्ड है, द स्टाफिंग प्रोसेस शुड ओनली बी व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल लाइन मैनेजर्स। चौथा है, नन ऑफ द एबव। सो स्टाफिंग के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। सो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सेकंड नंबर आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। द स्टाफिंग प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। सो जहाँ पे स्टाफिंग की बात होती है वहाँ पे सबसे पहले आप रिक्रूट करेंगे, राइट? सो रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद सिलेक्शन का पार्ट आता है, सिलेक्ट करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग का पार्ट आता है, उसके बाद जॉब ऑफर्स आता है, राइट? सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड जॉब ऑफर्स, दिस इज द रिगार्ड ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग को इस तरह से रिगार्ड किया जाता है, मतलब ये स्टाफिंग का एक तरह से डेफिनेशन है। द ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली एक्टिव प्लेयर इन द स्टाफिंग प्रोसेस, ये गलत ऑप्शन है, ये सही नहीं है, फॉल्स है ये। तीसरा देखेंगे, द स्टाफिंग प्रोसेस शुड ओनली बी व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइन मैनेजर्स, ये भी गलत है कि सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख सकते, ये गलत है, नन ऑफ द एबव, ये भी गलत है। सो आपका ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, आपके सामने ऑप्शंस हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस अबाउट द फ्यूचर एंड इवेल्युएटिंग देम। दूसरा है, मेजरिंग रिजल्ट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तीसरा है, मेजरिंग पास्ट परफॉर्मेंस डैश टारगेटिंग फ्यूचर। एंड चौथा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडिंग हाउ टू अकॉम्प्लिश देम। सो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकॉम्प्लिश देम। सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रोसेस इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टू, पहला प्रोसेस बताइए जो कि कंट्रोल प्रोसेस में यूज होता है। पहला देखेंगे, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। तीसरा है, कंपेयर रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स। एंड चौथा है, टेक करेक्टिव एक्शंस। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। द फर्स्ट प्रोसेस इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो पहला प्रोसेस होता है, पहले आप इस्टैब्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को एंड उसके स्टैंडर्ड्स को, तो ये आपका पहला फेज हो जाएगा, पहला प्रोसेस हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टाफिंग सिस्टम कॉम्पोनेंट मॉडल सेज दैट द फेजेस ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस अकर इन विच ऑर्डर आफ्टर द इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके सामने ऑप्शन हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी एक बार। द स्टाफिंग सिस्टम कॉम्पोनेंट मॉडल सेज दैट द फेजेस ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस अकर इन विच ऑर्डर आफ्टर द इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। पहला है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सिलेक्शन। एंड चौथा है, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो एक तरह से आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना कि सही सीक्वेंस क्या होता है स्टाफिंग का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। देखेंगे, सबसे पहला स्टाफिंग की जब बात की तो पहले तो आप रिक्रूट करेंगे, तभी तो स्टाफिंग करेंगे आप। तो पहले सबसे आपका जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से, उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद आप सिलेक्शन करेंगे एंड देन आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे, फिर आप कैंडिडेट को हायर करेंगे, सिलेक्शन के बाद उसको ऑन बोर्ड करेंगे, तो वो आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट पार्ट। तो रिक्रूटमेंट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, आप PYQs उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव, तो आपका आंसर होगा रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, वेयर एज
सिलेक्शन अगर पूछ लिया जाए कि सिलेक्शन आपका पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव, तो आप सिलेक्शन को बोलेंगे नेगेटिव, राइट। सो सीक्वेंस भी पता चल गया आपको कि रिक्रूटमेंट पहला फेज हो जाएगा, फिर सिलेक्शन आएगा उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी आर अचीव्ड गिवन बाय। दूसरा है स्टोरे, पहला है स्टोरे, दूसरा है फिलिपो, तीसरा है वेटर एंड चौथा है F.W. टेलर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ डेवलप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कॉम्पेंसेशन इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी आर अचीव गिवन बाय फ्लिपो। फ्लिपो वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a team leader clarifies desired work targets and deadline for a work team, he or she is fulfilling the management function of. आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन प्लानिंग, दूसरा डेलीगेटिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग एंड चौथा है सुपरवाइजिंग। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। When a team leader clarifies desired work target and deadline for a work team, he or she is fulfilling the management function of planning. इसका सही आंसर हो जाएगा planning. Next question. The standard performance needs to be adjusted after measuring with. The standard performances need to be adjusted after measuring with actual performance. दूसरा costs, तीसरा time involved and चौथा है external factors. तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट। सो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस नीड टू बी एडजस्टेड आफ्टर मेजरिंग विथ एक्चुअल परफॉर्मेंसेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फॉर एग्जाम्पल स्टाफ सिलेक्शन इंक्लूड्स विच ऑफ दीज स्टेजेस। आपके सामने क्वेश्चन है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन For example, staff selection includes which of these stages? पहला है deciding which candidate to appoint, दूसरा identifying the need for a new member of staff, तीसरा agreeing the job specification and चौथा all of the above. आपके सामने question है, आप एक बार question को फिर से पढ़ेंगे and then try to solve the question. So यहाँ पे इस question का सही answer हो जाएगा The overall process of decision making in, for example, staff selection includes which of these stages? तो ये सारे ही stages आएंगे। पहला देखेंगे deciding which candidate to appoint, ये आपका पहला phase होगा, decide करना which candidate to appoint। दूसरा है phase आपका identify the need for a new member to staff of a staff, और तीसरा agreeing the job specification। So ये सारे ही involved होंगे, सारे ही stages हैं इसके। So here the right answer for this question is all of the above stages. So आज के इस session के लिए इतना ही। हमने लगभग 16-17 questions किए हैं इस session में। So I hope ये सारे question आपके लिए helpful होंगे और आप इन questions को again repeat करेंगे, again पढ़ेंगे और उन पे एक बार glimpse डालेंगे before examination and meanwhile as well. और अब मैं like मैंने काफी सारे questions करा दिए हैं आपको और काफी सारे sessions लिए हैं। यूनिट 5 खत्म होने के बाद एमसीक्यूज के सेशन दिए। सो अब हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो यूनिट 6। सो अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की। सो जो नेक्स्ट क्लास में लूंगी वो यूनिट 6 से लूंगी। यूनिट 1-5 मैंने ऑलरेडी कवर कराया है अपने चैनल यूट्यूब पर। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द चैनल, गो थ्रू दोज वीडियोज जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने उन सारे ही जितने सेशंस लिए हैं यूनिट सारे यूनिट्स के
थ्योरी पार्ट जो कराया है वो सारा मतलब विथ फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कराया हुआ है। जहाँ पर अगर लगता है कि कहीं कमी है या लैक है या फिर कोई इशू आता है एक्सप्लेनेशन में, कोई कमी नज़र आती है आपको, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑल राइट, तो थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक्स थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी मच।